पहले से स्काल्प का कंडीशन भी दोस्तों आप देख सकते हैं, ये पहले जो है कि बस इधर काला काला था, इधर बिल्कुल काला नहीं था। अभी यहाँ पे आपको तो बाल नज़र आ रहा होगा, बाल का छोटे छोटे टुकड़े भी नज़र आ रहा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज से जो कि तकरीबन 4-5 रोज़ पहले मैंने फिर से अपना हेड शेव कर लिया हूँ, बिल्कुल जो कि क्लीन शेव जैसा कि आप देख रहे हैं। जबकि दोस्तों आज से तकरीबन 1 महीना पहले भी मैंने जो कि हेड शेव किया था, और हेड शेव करने के बाद फिर से मैंने 1 महीना के बाद क्यों हेड शेव कर लिया और इसके पीछे का वजह क्या है दोस्तों, इससे मुझे दोस्तों क्या फ़ायदा होने वाला है या फिर इससे क्या फ़ायदा या नुकसान है, आज का इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। इससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो लोग नया इस चैनल पर आए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों हमारे वीडियो के नीचे, हमारे कॉमेंट के नीचे कुछ लोगों का ये कहना था और बार बार कहना था कि हमारा जो है कि बाल आ गया था 3-4 महीना के अंदर, और जो कि मैंने एक बार हेड शेव कर लिया, बिल्कुल 0 साइज का कर लिया, यानी कि बाल को शेव कर लिया, उसके बाद मेरा बाल ग्रो ही नहीं हुआ, यानी कि बाल आया ही नहीं। दोस्तों आप सभी लोग जो लोग मुझे पहले से जानते हैं और मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे, दोस्तों आज से तकरीबन 1 महीना पहले भी मैंने शेव किया था उमरा करने के टाइम में, और दोस्तों उसके बाद जो है कि मेरा जो है कि बाल आ गया था, बस इस एरिया में दोस्तों पतला बाल था, इस एरिया में इधर जो है कि बिल्कुल बाल आ गया था, और दोस्तों किस तरह का नज़र आ रहा था जैसा कि फ़ोटो में आप देख सकते हैं, इस तरह का नज़र आ रहा था बाल आने के बाद। और दोस्तों आज जो है कि यानी कि अभी तो 1 महीना हो गया है, ये हेड शेव दोस्तों मैं 4-5 रोज पहले करवा चुका हूँ, यानी कि 25 दिन के बाद मैंने फिर से हेड शेव क्यों किया था दोस्तों, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो है कि रमज़ान में एक बार फिर से उम्रा करने का मौका मिला और जो है कि इसी मौके पर मैंने जो कि फिर से हेड शेव कर लिया, और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आ रहा था कि हेड शेव करने के बाद जो कि बाल वापस नहीं आता है, कुछ लोग कहता है कि बाल आएगा या नहीं। दोस्तों ये बाल तो हमारा जो कि स्काल्प के अंदर से निकलता है, ये चमड़ी के अंदर से निकलता है, अगर इसको ऊपर से हम काट दें, अगर हमारा यहाँ पे जड़ मौजूद है तो बाल तो ज़रूर आएगा, ऐसा बात नहीं है कि बाल नहीं आएगा। इसलिए दोस्तों दोबारा मैंने फिर से एक प्रैक्टिस किया, फिर से जो कि इसको हेड शेव करवा लिया, और जो कि इसका ट्राई भी देख लेते हैं कि किस तरह का बाल आता है, क्योंकि दोस्तों आगे का बाल मेरा जो है कि पतला आ रहा था, और जो कि इसलिए इसको हेड शेव करने के बाद और मोटा बाल आने का संभावना है। सबसे पहले दोस्तों आप लोग बता देना चाहता हूँ, आज से 6.5 महीना पहले जब मैं ये न्यू हेयर लोशन स्टार्ट करने से पहले मैंने एक बार बाल को बिल्कुल 0 साइज का कर लिया, तो छोटा कर लिया था, यानी ट्रिमर लगवा लिया था, इससे थोड़ा सा बड़ा होगा, और उसके बाद जो कि मैं न्यू हेयर लोशन इस्तेमाल करने लगा था दोस्तों। उस टाइम का दोस्तों आपको पिक्चर दिखा देता हूँ, ये 0 साइज का बाल है न्यू हेयर लोशन इस्तेमाल करने से पहले, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं किस तरह का नज़र आ रहा है, और उसके बाद दोस्तों अभी भी ये 0 साइज का है, तो ये पहले का और अभी का पिक्चर में क्या डिफरेंस है आपको इससे भी पता चल जाएगा कि क्या कैसा रिजल्ट में डिफरेंस आया है। जैसा कि दोस्तों पुराना पिक्चर में अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, पुराना पिक्चर में दोस्तों यहाँ पे बाल बिल्कुल गायब है, इस एरिया में पूरा जो कि बाल गायब है, बाल नज़र नहीं आ रहा है। और दोस्तों उसके बाद ये अभी का पिक्चर या आज का पिक्चर आप देख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल स्काल्प में हर जगह बाल भरा हुआ है, और जो कि पतला बाल है ये आगे के एरिया में, और इधर जो है कि थोड़ा ठीक ठाक है, और ये पीछे जो है कि ज़्यादा मोटा है। इसलिए दोस्तों अभी इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ, और डर्मा रोलर को हफ्ते में 1 मरतबा अभी मैं यूज कर रहा हूँ, उससे दोस्तों मुझे जो कि डैंड्रफ का प्रॉब्लम ठीक हो गया है और बाल का झड़ने का प्रॉब्लम ठीक हो गया है, और इंशाल्लाह रिजल्ट भी मुझे लग रहा है अच्छा ही आएगा, पहले से और बेहतर आएगा। पहले के हिसाब से दोस्तों अभी जो है कि बहुत सारा बाल आ गया है, पहले का पिक्चर में आपने देखा होगा दोस्तों कि किस कंडीशन था, बिल्कुल बाल नहीं था। अभी आपको दोनों पिक्चर मैच करके दिखा देता हूँ, एक तरफ पहले का है और एक तरफ अभी नया पिक्चर है, ये एक तरफ पहले का है और एक तरफ अभी का पिक्चर है दोस्तों। ये दोनों पिक्चर में आप लोग खुद एडजस्ट कर पाए, आप लोग खुद वेरीफाई कर सकते हैं कि कितना जो है कि रिजल्ट आया है, किस कंडीशन का मेरा स्काल्प था, बिल्कुल जो है कि सपाट था। स्काल्प का कंडीशन भी दोस्तों आप देख सकते हैं, ये पहले जो है कि बस इधर काला काला था, इधर बिल्कुल काला नहीं था, अभी यहाँ पर आपको तो बाल नज़र आ रहा होगा, बाल का छोटे छोटे टुकड़े भी नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं कि रिजल्ट जो है कि आ रहा है, जेनेटिक बालनेस है दोस्तों, इसलिए मेरा रिजल्ट बहुत ही स्लो आ रहा है, मगर जो कि प्रोग्रेस चल रहा है, तो इसलिए मैं इसको प्रैक्टिस करते जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।